चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैटबॉट GPT-4 के बारे में, जो अभी चर्चा में बना हुआ है। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म ओपन एआई ने चैट जीपीटी की सफलता के बाद एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया है। इसे चैट जीपीटी के सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा है। ये पहले से ज्यादा क्रिएटिव, भरोसेमंद और सटीक जानकारी देने वाला है। साथ ही यह पिछले मॉडल GPT-3 की तुलना में बहुत अधिक एडवांस भी है। लगभग 6 महीने पहले OpenAI ने मॉडल लैंग्वेज GPT-3.5 पर आधारित AI चैटबॉट चैट GPT लॉन्च किया था, जिसने इंटरनेट पर अपार सफलता हासिल की। अभी इसके करोड़ों यूजर मौजूद है। तो चलिए, पूरा टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि AI चैटबॉट क्या है। AI चैटबॉट विशिष्ट ट्रिगर्स और एल्गोरिदम के आधार पर कार्य करता है। चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर के सवालों को समझने और उनका जवाब देने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। साथ ही यह मानव वार्तालाप को फॉलो करता है। अब हम देखेंगे GPT-4 की विशेषताएं क्या है। ओपन AI ने हाल ही में GPT-4 पेश किया है, जिसे चैट GPT से भी एडवांस बताया जा रहा है। यह यूजर द्वारा दिए गए टास्क को सफलतापूर्वक पास कर रहा है। कंपनी ने उन परीक्षाओं की एक लिस्ट जारी की है जिसे GPT-4 ने अच्छे स्कोर के साथ सफलतापूर्वक पास किया है। GPT-4 एक एडवांस मल्टी मॉडल है जो इमेज और टेक्स्ट इनपुट को आसानी से समझ सकता है और सटीक जानकारी देने में सक्षम है। साथ ही यह विभिन्न पेशेवर और शैक्षणिक बेंचमार्क पर मानव स्तर का प्रदर्शन पेश कर रहा है। GPT-4 ने LSAT को 88% और SAT मैथ्स को 89% के साथ पास कर सभी को पीछे छोड़ दिया है। GRE क्वांटिटेटिव परीक्षा और GRE टेस्ट की बात करें तो GPT-4 ने इसे क्रमशः 99 और 54% इसमें हासिल किए हैं। GPT-4 पहले से कहीं अधिक क्रिएटिव और एक टेक्निकल राइटिंग में काफी एक्सपर्ट है। साथ ही यह गानों के कंपोजिशन, स्क्रीन प्ले राइटिंग आदि टास्क को पूरा करने में सक्षम है। इसके अलावा बहुत सारे रोजमर्रा के काम में भी ये हेल्पफुल है। ओपन AI का कहना है कि GPT-4 से बेहतर लैंग्वेज मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। चैट GPT-4 क्रिएटिव टेक्निकल राइटिंग टास्क को जनरेट और एडिट कर सकता है। इस चैटबॉट की सबसे खास बात यह है कि यह टेक्स्ट के साथ तस्वीरों को भी हैंडल कर सकता है। अब अगर बात की जाए कि इसकी उपलब्धता की, तो चैटबॉट GPT अभी चैट GPT+ ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, जो इस सर्विस के प्रीमियर एक्सेस के लिए प्रति माह $20 का भुगतान करते हैं। यानी कि जो पहले से $20 में ये सर्विस ले रहे हैं, उनको चैटबॉट GPT-4 भी उपलब्ध होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI में 2019 में $1 बिलियन का निवेश किया था। साथ ही जनवरी 2023 में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। GPT-4 ने एक लाइव डेमो में एक कठिन प्रश्न का उत्तर दिया था, हालांकि इसके उत्तर को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। अब हम बात करेंगे फीडबैक के बारे में। तो ओपन AI ने बताया कि GPT-4 को बेहतर बनाने के लिए चैट GPT उपयोगकर्ताओं द्वारा सबमिट किए गए फीडबैक सहित मानवीय फीडबैक को भी शामिल किया गया है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सहित अन्य सिक्योरिटी फीडबैक के लिए 50 से अधिक विशेषज्ञों के साथ भी काम किया गया है। इसके सिक्योरिटी फीचर की अगर बात की जाए, तो कंपनी ने ये भी बताया है कि GPT-4 के सुरक्षा अनुसंधान और निगरानी प्रणाली में पिछले मॉडलों से लिए गए सिक्योरिटी इनपुट को भी शामिल किया गया है। कंपनी ने यह भी इसके बारे में जानकारी दी है कि चैट GPT की तरह हम नियमित रूप से GPT-4 को अपडेट और अधिक बेहतर बनाएंगे। यूजर के बढ़ते भरोसे को देखते हुए कंपनी अपनी सर्विस के लिए काफी सतर्क है। ओपन AI ने यह भी कहा है कि GPT-4 की उन्नत तर्क शक्ति और निर्देशों का पालन करने की क्षमताओं ने हमारे सुरक्षा कार्य को तेज कर दिया है। अब हम बात करेंगे चैट GPT के बारे में, जो कि चैट GPT-4 से पहले आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली कंपनी ओपन AI ने नवंबर 2022 में चैट GPT को लॉन्च किया था। जैसे ही इस चैटबॉट के बारे में लोगों को पता चला, तो इसका तेजी से इस्तेमाल होने लगा। चैट GPT आने के बाद AI की चर्चा हर तरफ होने लगी। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।